स्टालिन के बेटे ने जो हिंदू धर्म के बारे में बातें करी उसके बारे में बीजेपी को छोड़कर किसी ने विरोध नहीं करा, क्यों? सेक्युलरिज्म है। उसने खुद एक्सेप्ट करा कि वो एक क्रिश्चियन है और उसकी गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस के लिए स्कीम इंप्लीमेंट करी, और ये बात भी उसके बाप ने खुद ही एक्सेप्ट करी, क्यों? आज इसी बात के बारे में डिस्कस करेंगे, और इन सारी बातों का फिल्म जवान के साथ क्या रिश्ता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बने रहे आखिर तक। बेटे और जवान फिल्म के बारे में बात करने से पहले उसके बैकग्राउंड में चलते हैं। आप एक काम करना, साइमन कमीशन के तीन दलाल थे, आप ये गूगल कर सकते, गूगल पे सर्च कर सकते कि साइमन कमीशन के वो तीन दलाल कौन थे, बी आर अम्बेडकर, पेरियार और छोटू चौधरी राव। तो ये जो फोटो में दिख रही है वो पेरियार की बेटी या पोती नहीं, वो पेरियार की बीवी है। पेरियार जब 70 ईयर का था तो उसने 32 साल की एक लड़की से शादी कर ली 9 जुलाई 1949 को। और कमाल की बात यह है कि ये लड़की पेरियार के फ्रेंड की बेटी थी, और उसने पार्टी ज्वाइन करा था 1942-43 में जब उसके फादर की डेथ हो गई। कंगस भाई मुतलियार उसके फादर का नाम था, उसके डेथ के बाद इसने पार्टी ज्वाइन करी। तो ये पेरियार की मोरलिटी थी, ये उसकी नैतिकता थी। पेरियार कबीरदास की तरह 100 बातें हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता, 1 बातें क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बोलता, 1 बातें ईसाइयत के खिलाफ बोलता, ताकि लोग उसे सेकुलर मान के चले और लोग उसे सीरियसली लें। लेकिन पेरियार करता क्या था, जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च करें क्रिश्चियन पॉपुलेशन इन तमिलनाडु, आपको दिखेगा 6% पॉपुलेशन। अच्छा, तो अगर 6% पॉपुलेशन है तो क्रिश्चियनिटी के लिए सबसे ज़्यादा प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने की जरूरत कहती है भाई, 6% लोग तो पता भी नहीं चलते। तो 6% लोग हैं ऑन द पेपर, और आधी से ज़्यादा कैबिनेट क्रिश्चियंस के 6% लोग हैं, तो इतनी ज़्यादा प्रो क्रिश्चियनिटी कैसे हो सकती है? तो कारण ये है कि ज़्यादातर वो लोग हैं जो पेपरों के ऊपर SC ST है, स्टे की सर्टिफिकेट है, और वो है संडे को चर्च में जाते हैं। ये बातें आज से स्टार्ट नहीं हुई, ये बातें पेरियार ने स्टार्ट करी। पेरियार की एक और भी खासियत थी, पेरियार ने अपने ज़माने में इस बात को एंश्योर करा कि जो तमिलनाडु में जो पब्लिक ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उनको पहले कन्वर्ट करो और उन्हें एक टारगेट दे दो कि भाई अगर तुमने अपने नीचे 100 लोगों को कन्वर्ट करा तो फिर तुम्हारी प्रमोशन होगी, अदरवाइज तुम्हारी प्रमोशन नहीं होगी। तो ये जो कन्वर्जन के ऊपर प्रमोशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पेरियार और उसकी गैंग लेकर आई थी। और आज आप तमिलनाडु में किसी डिपार्टमेंट पर चले जाए उसका कोई भी नाम हो, जैसे खुद पेरियार का नाम रामास्वामी था, कोई भी नाम हो उसका वो होगा क्रिश्चियन, वो आपसे 10 मिनट की बातचीत के बाद बताए तो तुम कन्वर्ट हो जाओ, तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा। वो इस बात को कहने के उनके पास अपने 10 तरीके हैं। स्टालिन और जवान में कनेक्शन क्या है? स्टालिन बार बार कहते हैं वो पेरियार का सपोर्टर है, पेरियार का फॉलोअर है। गांधी का एक फ्रेंड हुआ करता था अन्नादुरई, अन्नादुरई ने एक पार्टी बनाई, उस पार्टी में एक वर्कर हुआ करता था करुणानिधि, और ये करुणानिधि इसका दादा हुआ करता। तो ये लिंक है पेरियार और स्टालिन के बीच, यानी स्टालिन आज जो कुछ भी कहता है उसकी नसों के अंदर, उसके रगों के अंदर, उसके खून के बहुत अंदर पेरियार बैठे हैं, वही पेरियार जिसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर इसमें जवान कहाँ से आती है? आती है ना, जवान आती है। ये कंपनी इसे स्टालिन की है और ये कंपनी फिल्म की डिस्ट्रीब्यूटर है। तो अगर आप सनातन के ऊपर दिए इसके बकवास से हाथ है तो ये टाइम है अपना हिसाब पूरा करने का। अगर आपके अंदर सनातनी होने का अभिमान है तो ये टाइम है इस गैंग को सबक सिखाने का, क्योंकि हकले को भारत में डर लगता है ना, ये वही बंदा है ना जिसे डर लगता था, तो आओ इसे दिखाते हैं डर होता कैसे। और जो बात स्टार्ट करी थी कि सिर्फ 6% पॉपुलेशन के ऊपर ये लोग कैसे कैसे पब्लिक स्पेस के अंदर कैसे कैसे भाषण देते हैं, ये कैथोलिक गैदरिंग को एड्रेस करते हुए 29 जून 2022 को कहते हैं कि DMK गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय यू एंड फॉर यू, तमिलनाडु इज डेवलप्ड ओनली बिकॉज ऑफ द कैथोलिक क्रिश्चियन। ही ऑल्सो सेड दैट M.K. स्टालिन नीड गवर्नमेंट इन द स्टेट वॉज फॉर्म बाय द क्रिश्चियंस एंड फॉर द क्रिश्चियन। तो ये क्या सिर्फ 6% वोट बैंक की ताकत है, या उन 6% वोट बैंक के पीछे छिपे असली खेल की कहानी? राक्षस की जान जिस तोते के अंदर है उस तोते का नाम है जवान। अगर हमने उसकी गर्दन मोड़ दी, अगर हमने उसकी गर्दन तोड़ दी तो हकला भी जाएगा। और ये जो फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द क्रिश्चियंस, टू द क्रिश्चियंस एंड बाय द क्रिश्चियन का जो कॉन्सेप्ट है ना, और सनातनियों को गली देने का कॉन्सेप्ट, ये भी एक झटके में कम हो जाएगा। आगे बढ़े, सहयोग करें और इस बात का ध्यान रखें कि इस देश के अंदर ना कसाई हो सकते ना ईसाई हो सकते, ईसाई और कसाई दोनों हमारे लिए उतने ही खतरनाक है।